नमस्कार डॉक्टर डॉट कॉम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर डॉट कॉम में पाइल्स के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अतुल तेलरांदे शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक की ओर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, पाइल्स के बारे में आज हम हमारे दर्शकों को जो है आपकी ओर से जानकारी देना चाहेंगे। पाइल्स क्या है, कैसे होता है, क्या बताओगे? देखिए, पाइल्स उसको संस्कृत में अर्श, उर्दू में बवासीर और कॉमन भाषा में मूल व्याध या हिंदी में गुदा के रोग ऐसा भी कहा जाता है। पाइल्स उसको मेडिकल टर्म में हीमोराइड्स भी कहा जाता है और मूल व्याध के अंडर ही आता है, यानी गुदा के रोगों के अंडर ही आता है। जब भी डिफिकेशन के समय या फिर स्टूल पास करते समय या पॉटी पास करते समय जब भी पेन, दर्द, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग या फिर जलन या फिर भयंकर वेदना या दर्द ऐसा कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तो समझ लीजिए आप आसपास कहीं आपको मूलव्याध हो चुका है या पाइल्स आपको हो चुका है। अच्छा, मतलब पाइल्स होने की संभावना है या पाइल्स आपको हो सकती है, या आपको ये पूरे सिम्टम्स पाइल्स के जी। अच्छा, क्या बताओगे इसके कितने टाइप होते हैं? मैंने मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब फिशरीज हो गया, ये भी उसी का बवासीर का ही टाइप है, कितने टाइप है? देखिए, अगर हम मूल व्याध इस टर्म के अंडर लेते हैं यानी गुदा के रोगों के अंडर लेते हैं तो लीडिंग में आपको पाइल्स यानी हिमोरॉइड्स दिखेगा, दूसरा फिर फिशर्स दिखता है जिसमें चीरे पड़ जाते हैं, और एक भगंदर जिसको फिशुला कहा जाता है वो दिखता है जिसमें अंदर से ऐसा एक वुंड बन जाता है, अल्सर बन जाता है और इसकी ट्रैक एनस में ओपन होती है। तो इस तीन प्रकार के गुदा के रोग आपको दिखेंगे। अगर आप पाइल्स की बात करते हैं, अर्श की बात करते हैं, तो अर्श जिसका संस्कृत में उन्होंने डेफिनेशन किया है कि आरिवत प्राणानि शूणा, यानी ऐसा वो दर्द देता है जैसे कोई आपके प्राण को आरी से काट रहा हो। सो उस अर्श के दो प्रकार माने जाते हैं, एक ब्लीडिंग पाइल्स, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिसको शुष्कार्श या फिर रक्तार्श कहा जाता है, जिसमें ब्लीडिंग होता है, एक में ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको दर्द, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होना, खुजली होना, पॉटी साफ करते समय बहुत जोरदार तकलीफ होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। बिल्कुल, पाइल्स का जो है डायग्नोस कैसे होता है, निदान कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले सारी कंप्लेंट्स बोलेगा, वो बोलेगा कि पॉटी करते समय तकलीफ हो रही, या फिर वो व्यक्ति बैठ भी नहीं पाता, कई बार वो खड़े भी नहीं रह पाता, वो सो नहीं पाता, बाइक पे नहीं बैठ पाता, इवन फोर व्हीलर भी नहीं चला पाता, सीटिंग वो प्रॉब्लम है। ये कंप्लेंट्स देगा, बाद में ये बोलेगा कि कुछ लोगों को ऐसा होगा कि पॉटी साफ करते समय प्रॉब्लम आएगी, पॉटी पास करते समय प्रॉब्लम आएगी, बर्निंग हो सकता है, पेन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, या वो पॉटी पास ही नहीं कर पा रहा, इतना भयंकर उसको पेन होता है। अब इसको इसकी कंप्लेंट्स होने के बाद डॉक्टर उसको एग्जामिन करेंगे, तो एग्जामिन करने के लिए एनल एग्जामिनेशन किया जाता है, गुदा को एग्जामिन करते हैं, उसके लिए प्रोक्टोस्कोप आता है, एक स्कोप होता है, एनस यानी ये प्रोक्टोलॉजी के अंडर आने वाला डिजीज है, तो प्रोक्टोस्कोप आता है कि एनस को आप ऐसे प्रोक्टोस्कोप से एग्जामिन कर सकते हो, इंटरनल अगर आपको एनल एग्जामिनेशन करना है। प्रोक्टोस्कोप नहीं भी है तो आप नॉर्मली पेशेंट को एनल एग्जामिनेशन लैटरल लेफ्ट लैटरल में सुलाकर भी कर सकते हैं और उसको देख के ही समझ जाएगा जाएंगे डॉक्टर कि ये पाइल्स है या किस प्रकार में ये आता है। और जो सिम्टम्स है ये सभी में एक ही जैसे सिम्टम्स दिखते हैं? नहीं नहीं, सिम्टम्स तो बहुत वेरी करते हैं पेशेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है देखिए कि उसने कुछ स्पाइसी वगैरह खा लिया और नेक्स्ट डे उसको बर्निंग हो गया या जलन हो गई या कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड अपने आप से रिलीव भी हो जाते हैं, कई बार हिमोराइड्स के साइन अपने आप से रिलीव भी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन जिनको कंसिस्टेंट ये तकलीफें रहती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब वो जाके डॉक्टर के पास जाता है और वेरिएबल सेट ऑफ सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, मतलब आयुर्वेदा में स्पेशली? पाइल्स का ट्रीटमेंट सबसे सिंपल है, उसका कॉज हटाना, उसके कारण देख, तो कॉज हम पहले इलिशिएट कर लेते कि किस कारण से पाइल्स हो। जनरली पाइल्स होने का सबसे पहला कॉज है आयुर्वेद के हिसाब से डाइजेशन में गड़बड़ी होना, अग्निमांद्य, अग्निमांद्य यानी डाइजेशन गड़बड़ हो जाए, आपका पेट गड़बड़ हो गया, आपके स्टूल्स ठीक से नहीं बनेंगे, डिफिकेशन यानी बाउल पास करते समय बाउल मूवमेंट्स नीचे की ओर प्रेशर मारेंगे और एनल रीजन पे जोरदार प्रेशर आएगा। हीमोराइड नाम का जो पार्ट है एनल रीजन का, जिसमें टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कुशन जैसा होता है, इसमें छोटे छोटे हीमोराइडल वेंस होते हैं और छोटी छोटी ग्लैंड्स भी होती हैं वहाँ पर और मसल्स होते हैं। ये सॉफ्ट कुशन वाला पार्ट जो है
उस स्टूल को पास करना, और स्टूल पास हो जाने के बाद इंटरनल फ्लूइड को पकड़ के रखना, ये उसका काम होता है। अगर उस पार्ट में किसी भी प्रकार से हार्म हो गया या घर्षण हो गया, स्टूल पास करते समय उसके ऊपर प्रेशर आ गया, तो क्या होगा, हिमोरॉयडस वेंस फूल जाएंगे और फिर जाके फिर वो हेमोरॉइड्स बनेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसमें डिग्रीज देखी जाती है। सो कॉजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। तो सबसे पहले आप ट्रीट को कॉज को ट्रीट कीजिए, जो भी कॉज है, जिस भी कारण से हुआ है, जैसे खाना स्पाइसी खाना, या फिर रात्रि को जागरण हो जाना, या इंडाइजेशन हो जाना, कंसिस्टेंटली खड़े रहना, कंसिस्टेंटली हैवी लिफ्टिंग करना, या फिर देखिए जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में डिलीवरी के दरमियान या उसके बाद में इनको पाइल्स, क्योंकि आफ्टरऑल प्रेशर एनल रीजन पे आता है, जहाँ पे भी जिस भी कारण से एनल रीजन पे प्रेशर आएगा, स्टैंडिंग हो, सिटिंग हो, रात्रि का जागरण हो, डाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या हैवी स्पाइसी खाने के बाद उस प्रकार के स्टूल पास होना हो, इस वजह से पाइल्स तैयार होगा, और उसके हिसाब से ही आयुर्वेद में उसकी ट्रीटमेंट रहेगी। बिल्कुल, जैसे देखा जाता है सर्जरी भी बहुत तरह की पाइल्स की आ चुकी है, तो क्या परमानेंट इलाज सर्जरी हो सकता देखिए, जहाँ पे मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलती, वहाँ पे सर्जरी रिकमेंडेड होता है। सर्जरी करने के बाद उसमें, सर्जरी में अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोई लेजर सर्जरी होती है, कोई फिस्चुलेक्टॉमी या हेमरॉइडेक्टॉमी करते हैं, यानी पूरी तरह से उसको हटा देते हैं, उस पार्ट को कट करके निकाल देते हैं, अलग अलग मेथड से सर्जन्स। उसके बाद वो सॉल्व हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, लेकिन वापस रिकर हो सकता है अगर ये सारे कॉजेस जो मैंने अभी भी ये बताए। चांसेस बहुत है, और ये समस्या बहुत ही मरीजों में देखी गई है कि फिर से ये हो सकता है पाइल्स का जो भी तकलीफ होती है, तो सर्जरी किस हद तक मतलब कामयाब है? सर्जरी तो एक सही चिकित्सा है, उसकी अच्छी चिकित्सा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन बावजूद उसके प्रिकॉशन आगे भी पेशेंट को लेनी चाहिए कि जो फाइल्स उसको तैयार हुआ है वो सर्जरी के बाद भी वापस तैयार हो सकता है, क्योंकि स्पेस तो वही रहेगा, प्रेशर तो वही पड़ेगा, एंड दैट मे ऑल्सो री अकर द फाइल्स। तो फिर इतना सब करने के बाद क्या पाइल्स ठीक हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली फाइल्स इज ट्रीटेबल, पाइल्स में ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सा बेस्ट होती है। उसमें सीट बात सबसे पहले की तरह से गर्म पानी का टब लेते हैं, उसमें चाहे बेटाडीन डालो, चाहे फिर फिटकरी का पाउडर और हल्दी का पाउडर डाल के सीट बात लेने के लिए बोलते हैं। लोकल एप्लीकेशंस के लिए कुछ क्रीम्स आते हैं, कुछ ऑयल्स आते हैं। उसके बाद जो उसका रूटीन है जिसके कारण से उसको पाइल्स हुआ, उसकी हिस्ट्री लेके अगर हम उसको इरेडिकेट कर दें, जो कॉजेस है, खाने में अगर वो प्रिकॉशंस लेता है, स्पाइसी खाना, ऑयली खाना छोड़ के, रफेज वाला खाना और वाटरी फ्लूइड ज़्यादा लेगा, वाटरी डाइट ज़्यादा लेगा जिसमें वाटर ज़्यादा है, रफेज ज़्यादा है, जिससे कि उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो वेंस पे प्रेशर भी नहीं आएगा। हम लोग जनरली नॉन वेज खाते हैं, रात के समय खाते हैं, ऑयली स्पाइसी रात को खाते हैं और सो जाते हैं, दैट इंड्यूसेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको इमिजिएट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है और वो फाइल्स को वापस रिकवर कर सकता है, इवन आफ्टर द सर्जरी, इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट प्लान में मेडिसिन बहुत सारी है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने वाली मेडिसिन पाइल्स में दी जाती है। निरंजन फल आता है, जनरली हम लोग कामधुधा यूज़ करते हैं, अभयारिष्ट यूज़ करते हैं, पाइल्स के ऊपर बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं वो यूज़ करते हैं, इंद्रजो जिसमें कॉमन कंटेंट पड़ता है। तो डाइजेशन को ठीक करके, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके, स्टूल को सॉफन करके, और आपका जो गूदा द्वार है यानी एनल रीजन है, वहाँ के हिमोराइडल पार्ट को सॉफ्ट करके पाइल्स की ट्रीटमेंट करने का बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करके ट्रीटमेंट किया जाए। प्रिवेंशन इसका कैसा किया जाता है? हाँ, प्रिवेंशन में देखिए, पाइल्स ना होने पर इसके लिए सबसे पहले उसके कॉजेस को पता करके, कॉजेस को ना होने दें तो आप अपने आप प्रिवेंट हो जाए। मैंने कहा है कि हम लोग आजकल का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हेजी हेस्टी, बहुत फास्ट है, रात को जागना, लेट नाइट तक काम करना, ये उसका एक कारण हो सकता है। जनरली जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, हेवी फूड रात को खाना, पार्टीज में जाना, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें उसमें पाइल्स कॉज करने का बहुत बड़ा कॉज है। तो प्रिवेंशन के तौर पे ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा आपका डाइजेस्टिव पावर रहेगा, जो भी आप खाओगे हजम हो जाएगा, तो पाइल्स कभी नहीं। बिल्कुल, तो क्या जैसे आपने बोला कि आजकल की लाइफस्टाइल जो है, रात भर जागना, रात देर ना मतलब पार्टियां है, अल्कोहल लेना है, ये सब चीजें, तो क्या लाइफस्टाइल डाइट ये इसको मतलब न्योता दे सकता है पाइल्स? डेफिनेटली पाइल्स का कारण यही है, मैक्सिमम टाइम हम ये देखते हैं कि यही कॉजेस है पाइल्स के,
और अभी अभी जैसे कोविड के सिनेरियो में लोगों ने काढ़े बहुत सारे पी लिए, गरम गरम काढ़े खाए, तो उन लोगों को भी हीट बॉडी में तैयार कर देता है, पेट के अंदर, तो वो भी एक कॉज फाइल्स का पाया गया है। इसके साथ साथ हैवी वर्क जो करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो इन लोगों को पाइल्स हो सकता तो जो पाइल्स के पेशेंट है, मरीज है। नहीं, है, उन्होंने क्या काढ़े लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पाइल्स के मरीजों ने ऐसे गर्म काढ़े फिलहाल के लिए नहीं लेने चाहिए। उनके लिए जो ट्रीटमेंट है, जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने वाला, बर्निंग रिलीव करने वाला ट्रीटमेंट है, वो लेना चाहिए। अभी फिलहाल उनको ऐसे गर्म काढ़े नहीं लेने चाहिए जिससे पाइल्स हो सकता है। अगर उनको लेने भी है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से एक पर्टिकुलर डोज में ले जिससे कि पाइल्स इंड्यूस ना हो। क्या छोटे बच्चों को भी पाइल्स हो सकता है? पाइल्स तो छोटे बच्चे, इवन पाइल्स इज जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अगर मम्मी पापा को है, दादा दादी को है, तो बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चों में भी पाइल्स देखे गए कॉन्स्टिपेशन के कारण, छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया। क्यों? तो आप देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं आजकल, जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे मुरमुरे खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, ठीक है, ये फास्ट फूड खाते हैं, और जंक फूड में आप जितने प्रिजर्वेटिव पड़ते, केमिकल वेमिकल, वो सारी चीज़ें ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं आजकल। और अभी तो बच्चे लॉकडाउन के कारण खेल भी नहीं रहे, एक्सरसाइजेस भी नहीं कर पा रहे, तो इन लोगों को पाइल्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्या जंक फूड जो आपने बताया, बिस्किट, ब्रेड, ये भी पाइल्स को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं? जो भी फूड में वाटर कंटेंट कम है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, रफेज कम है कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, एंड डेफिनेटली उसके इवेंचुअली पाइल्स हो ही सकता है। पाइल्स के मरीजों ने कौन सी चीजें अवॉइड करना चाहिए खाने में? खाने में जैसे स्पाइसी हो गया, दही बेसन की चीज़ें हो गई, तली हुई चीज़ें या घी से बनी हुई चीज़ें रात के समय नहीं खानी चाहिए, वो दिन में खानी चाहिए। अगर उसको खाना है, नॉनवेज भी जैसी चीज़ें हैं, स्पाइसी भी चीज़ें खानी है, तो कम खाए और दिन में खाए। रात को खाएंगे तो रात को खा के सो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, डाइजेशन बिगड़ेगा और पॉसिबिलिटी है कि उसको पाइल्स होगा। अब डाइट के हिसाब से मैंने अभी जैसे बताया कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ज्यादा लेना जैसे चाहिए। सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें, छाछ हो गया, छाछ बेस्ट होता है पाइल्स में, ये सारी चीज़ें, और ये ऑयली स्पाइसी छोड़ के, या अगर खाना है तो कम खाए, लेकिन इसके साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उसका हाजमा अच्छा होगा और उसके बॉवेल पॉटी अच्छे से साफ हो जाएंगे, तो पाइल्स नहीं होगा। हमारे दर्शकों को क्या एक संदेश देना चाहोगे? देखिए अभी हम कोविड काल में हैं, हम बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया था, उन्होंने फिर बहुत सारी मेडिसिन खाई है, आयुर्वेदिक भी खाई है, एलोपैथिक भी खाई है, तो डाइजेशन के ऊपर मैंने देखा है कि कोविड के सिनेरियो में पेशेंट्स को डाइजेशन बहुत ज़्यादा उनका हैम्पर हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग पाइल्स होने वाले जो कॉजेस हमने अभी डिस्कस किए, वैसा डाइट अगर लेते, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हैवी वर्क करते, तो ऐसी कंडीशन में पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टेक होम मैसेज में यही बताऊंगा कि आपका फूड हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि हमने स्पाइसी खा लिया और बहुत सारा पानी पी लिया, ऐसा नहीं चलेगा। वाटर कंटेंट ज़्यादा वाला ही फूड आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी 70% एंड अबव वाटर ही। इससे केवल पाइल्स ही नहीं, हार्ट डिसीजेस, पैरालिसिस जैसे डिसीजेज, अदर डिसीजेज भी प्रिवेंट होंगे। वाटर कंटेंट ज़्यादा वाला फूड हमेशा खाइए, पेट साफ हो ऐसा फूड खाइए, रफेज वाला फूड खाइए और हेल्दी रहिए। बहुत अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर आपने हमारे दर्शकों को दी है पाइल्स के बारे में। जिस तरह अभी कोविड के काल में जो है लोग ना दवाइयाँ ले रहे हैं, काढ़े ले रहे हैं, तो बहुत ही उपयुक्त ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों को आज हमने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में हमने पाइल्स की जो है जानकारी ली है डॉक्टर अतुल तेलरांधे इनसे। तो आज के कार्यक्रम में हम यही रुकते हैं। देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।